हाय फ्रेंड, आज हम आपके सामने एक नया वीडियो लेके आए हैं। हमारे पास वॉल्सवैगन की टिगोर गाड़ी आई है, ये स्टार्टिंग प्रॉब्लम के लिए हमारे पास आई है, तो हम आपको इसको बताएंगे इसमें प्रॉपर फॉल्ट क्या है। अंसारी जी, जरा गाड़ी स्टार्ट कीजिए। ओके सर। देखिए, हम आपको बताएंगे कि इसमें प्रॉपर प्रॉब्लम, ये देखिए, सेल्फ मारने पर लाइट मीटर का ब्लिंक करता है। प्रॉपर ब्रेक दबा के एक बार मारिए। हाँ, अब हम सर इसका पहले तो बैटरी वायर चेक करेंगे। आ जाइए, बाहर आ जाइए। ये देखिए, ये इसका बैटरी वायर है प्लस का, ये प्रॉपर टाइट है। ये माइनस का है, ये भी प्रॉपर टाइट है। अब हम इसमें बैटरी टेस्टर लगाएंगे कि बैटरी का प्रॉब्लम है कि हेलो। हाँ, लगाइए। अब हम इसका बैटरी टेस्ट कर रहे हैं, इसमें हमको बताएगा कि बैटरी का प्रॉब्लम है कि अल्टरनेटर का प्रॉब्लम है। ये हमारा बैटरी टेस्टर है, ये देखिए, चेक कीजिए। देखिए, ये इसमें हमें बता रहा है कि बैटरी पहले रिचार्ज कीजिए, फिर टेस्ट कीजिए। ठीक है, इसे हम एक बार फिर से दोबारा एक बार फिर टेस्ट करेंगे प्रॉपर जानने के लिए। देखिए, ये प्रोसीजर में है। रिचार्ज बैटरी, ठीक है, फिर हमें इसे इस बैटरी को रिचार्ज करेंगे और उसके बाद चेक करेंगे कि क्या होता है। उसके बाद इसके आगे का वीडियो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में भेजेंगे। इतना वीडियो के लिए धन्यवाद। हाय फ्रेंड, देखिए, अब हम इसका बैटरी रिचार्ज करके लाए हैं, इसे गाड़ी में फिट करते हैं, फिर इसके आगे का आपको रिपोर्ट देते हैं। अंसारी जी, ज़रा बैटरी वायर दोनों टाइट कीजिए। ये हमने प्लस का वायर टाइट कर दिया, माइनस का टाइट कर रहे हैं। अब हम इसे सेल्फ मार के देखेंगे कि क्या कंडीशन बताता है ये गाड़ी का। चाबी लीजिए, जरा गाड़ी चालू कीजिए। बैटरी वाले ने बोला है कि बैटरी रिप्लेस करना पड़ेगा, बैटरी का दो सेल गया हुआ है, फिर भी हम एक बार टेस्ट करते हैं चेक करके। हाँ, सेल्फ मारिए। देखिए, अभी भी वही कंप्लेन है रिचार्ज करने के बाद भी, तो हमें अब इसका बैटरी रिप्लेस करेंगे और नया बैटरी डालेंगे। तो देखिए, आपको नया बैटरी चेंज करके दिखाते हैं। अंसारी जी, बंद कीजिए, ये बैटरी खोलिए। आप ये देखिए, नया बैटरी है, इसका बॉक्स ओपन कीजिए। ये हम एक साइड का बैटरी डाल रहे हैं। थोड़ा टर्मिनल वायर को पकड़िए साइड में। ये है आपका पुराना बैटरी, अब हम इसमें नया बैटरी फिट करेंगे, जो एक साइड का बैटरी लाया है हमने, आप देख सकते हैं। चलिए, इसे फिट कीजिए।
ये हमारे अंसारी जी और राहुल जी दोनों हेड मेस्त्री है। एक बार पहले टाइट कीजिए, ये प्लस का वायर हमने टाइट कर दिया प्रॉपर तरीके से, अब माइनस का वायर टाइट करेंगे। बैटरी फिट करते समय कभी भी टर्मिनल पे किसी चीज़ से ठोकिएगा नहीं, क्योंकि ठोकने के वजह से सेंसर आता है उसमें, वो सेंसर आपका शॉर्ट हो जाएगा, इसके वजह से गाड़ी में प्रॉब्लम आ सकता है, गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हो सकता है, कोई सेंसर का भी लाइट आ सकता है, इसलिए हमने किसी भी चीज़ टर्मिनल को ठोका नहीं है। अब गाड़ी हम स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं, आप देख सकते हैं, चाबी ले लीजिए। देखिए अब हम गाड़ी चालू करते हैं, ये देखिए गुड कंडीशन, अब आप देख सकते हैं ये हमारी गाड़ी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। तो रेस कीजिए, अब हम आपको बैटरी टेस्ट करके फिर से दिखाते हैं। आइए बैटरी टेस्ट कीजिए, कांच नीचे कर दीजिए, गाड़ी बंद कर दीजिए। अब हमको आपको दिखाते हैं नया बैटरी डालने के बाद हमारा जो चार्जिंग मशीन है वो क्या बताता है। देखिए हमारा बैटरी टेस्टर ये हमने लगा दिया है, अब आप देख सकते हैं बैटरी टेस्ट 20V, देखिए बैटरी टेस्ट में प्रोसेसिंग में आपको दिखाएगा। देखिए ओके कीजिए, देख सकते हैं सर ये आपका, हमने बैटरी टेस्टर से बैटरी टेस्ट किया है, आप देख सकते हैं गुड बैटरी करके। दोबारा दिखाऊं? दोबारा एक बार फिर से आपको हम टेस्ट करके दिखाते हैं, आप देख सकते हैं हमने नई बैटरी फिट कर दी है, इसे हम टेस्टर मशीन से टेस्ट कर रहे हैं। क्या होता है कभी कभी नए बैटरी में भी फॉल्ट आता है, इसके लिए हम बैटरी टेस्टर से उसे टेस्ट कर लेते हैं कि आगे चलकर कस्टमर को किसी प्रकार का कोई कंप्लेन ना आए। आप देख सकते हैं आपके सामने है बैटरी टेस्टर, गुड बैटरी, ये देखिए गुड बैटरी। ओके फिर से अब हम आपको दिखाते हैं, चलिए एक बार स्टार्ट कीजिए गाड़ी, बैटरी टेस्टर का वायर निकाल दीजिए। चालू कीजिए, ये देखिए हमारी गाड़ी प्रॉपर तरीके से अब रेडी हो चुकी है, अब हम इसे बिंदास अपने जो कस्टमर है उसे दे सकते हैं बिना किसी कंप्लेन के। ये जो आपको दो लाइट दिख रहा है, ये जैसे हम गाड़ी रनिंग करेंगे ये लाइट भी चला जाएगा, अगर चाहिए तो आपको हम दिखा सकते हैं, ये देखिए, ये देखिए आपके सामने अब, हाँ बस ओके, अब इसमें किसी प्रकार का कोई लाइट नहीं है, आप देख सकते हैं ये हमारी गाड़ी हो चुकी है फाइनल। देख लीजिए, परेश कीजिए, ठीक है।